नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी लाइव। नजर डालते हैं तो राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। सात सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान ने बदला बयान, कहा सभी के सहयोग से उपक्रम विकसित करने को इच्छुक नहीं भारत। पाक ने प्रस्ताव के दौरान खुद को किया था अलग। आरआईसी बैठक में भाग नहीं लेने पर चीन की बहानेबाजी, बोला दलाई लामा नहीं है त्रिपक्षीय बैठक टालने का कारण, कुछ समस्या के चलते नहीं हो पाई बैठक। रूस, भारत और चीन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होनी थी चर्चा। चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता। भारत दौरे पर आए अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी ने कहा बल के प्रयोग से चीन के दबाव को नहीं किया जाएगा स्वीकार। चाड में बोको हरम ने सेना की चौकी को बनाया निशाना, हमले में 9 सैनिकों की मौत, जवाबी कार्रवाई में सेना ने 40 जिहादियों को किया ढेर। मेक्सिको में सैनिकों और ईंधन चोरों के बीच मुठभेड़, झड़प में 4 सैनिकों समेत 10 लोगों की मौत, हमलावरों से बचने के लिए महिलाओं को बनाया मानव ढाल। और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को खत्म करेगा संयुक्त राष्ट्र, शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए महासचिव गुटेरेस ने मामले पर बनाई पैनी नजर, बोले बातचीत से सुलझने चाहिए दोनों देशों के बीच उलझे रिश्ते। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।